आप लोग अच्छे होंगे। देखिए मैं अपना घर का दृश्य दिखा रहा हूँ, मेरे घर में लगा हुआ है ये सीम और कद्दू है इधर, और देखिए छोटा सा टमाटर भी लगाए हैं। दिखा रहे थे उस समय फोन आ गया था एक ठो, इसलिए नहीं दिखा सके। देखिए मिर्ची का पेड़ भी है, देख लिए इधर, और फूल का भी पेड़ है इधर। ये टमाटर है, इसमें फल भी है, हो गया, लग गया है, देखिए इधर भी फूल है। एक और छोटा सा टमाटर है, देखिए दोस्त, यही देख लिए कैसा है दोस्तों, देख रहे हैं। एक किचन है ये, अरे मेरी माँ है, पिताजी है, देख लिए। खाना मेरे घर बन गया है दोस्तों, गुड। ये पूरा देखिए कैसा है, इधर जानवर है, जानवर भी बांधे हैं द्वार पे। एक गाड़ी निकाल लिए हैं बाइक, अब हम लोग जा रहे हैं, छठ घाट पे साफ सफाई करने के लिए। अभी देखते हैं प्रमोद भी घर भी है कि नहीं। इधर भी मेरा घर है, दोनों साइड है, देखिए ये भी मेरा ही घर है, बना रहे हैं इसको अभी। इसलिए हम लोग प्रमोद घर आ गए हैं। ये देखिए मेरा छोटा भैगना है रोहित, क्या नाम है इस पता नहीं अभी है, क्या नाम है बच्चों? रोहित, रोहित नाम है। जान लीजिए आप लोग प्रमोद घर, देख लीजिए घर कैसा है। अभी देखिए हाय, अच्छा से हाय। मेरा नाम क्या, देख लीजिए आपका नाम क्या है? भाई के इसका इसका ही लग क्या नाम है यार? देख लीजिए कुमार। उधर रहते हैं कॉलोनी में, ये तुलसी माता जी का पेड़ है थोड़ा, यहाँ पूजा वूजा करते हैं अभी। और छोटा नर्सरी में फूल है, पपीता है। और इधर के घर कैसा गिर गया है, प्याज व्याज अभी भी रखा हुआ है, इसमें बहुत सारा प्याज है, देख लीजिए। दिखाते हैं पहले घर के साथ प्रमोद के से, देख लीजिए प्रमोद कहाँ पे खाना बनता है। प्रमोद का ला, प्रमोद खाने ला। हाँ दे रे, खाने का तो मन नहीं है लेकिन खा लेते हैं। खाए, खाना खाने जा रहे हैं, अभी सुबह है, लगभग 7-8 बजा हुआ, 8 देख लिए खाना। चूल्हा के पास नहीं खा रहे हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं, इसलिए छोटा है। और फिर नदी घाट पर जाएंगे, छठ घाट पे साफ सुथरा करना है, अधूरा काम बच गया था। सर अगला वीडियो अभी मिलते हैं दोस्तों। अभी हम प्रमोद आ गए हैं घर से, अब जा रहे हैं साफ करने के लिए नदी, और दोस्त लोग साफ कर रहे हैं। अभी हम लोग साफ सुथरा कर रहे हैं, फेंकने जा रहे हैं, निकला उससे से घास पूरा उसे निकल रहा है, ढकनी छुकनी उसमें पैसा भी निकल रहा है, इतना दिन मिला भी है। देखिए कोड़ी से साफ कर रहे हैं, बजरंग दल छठ पूजा समिति उटा की ओर से सभी श्रद्धालुओं को महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए हमारे ग्राम के ऊर्जावान युवा सभी लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, 3 दिन लगा है, अधूरा काम को पूरा कर रहे हैं इन लोग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
ये हमारे प्रमोद जी बजरंग दल ग्रामीण अध्यक्ष, तो इन्हीं के दिशा निर्देश में कार्य हो रहा है। ये है वीरेंद्र जी, बजरंग दल कार्यकर्ता, बहुत मेहनत कर रहे हैं, शुरू से ही इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आप बहुत लगन से काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, दिन से तो रात से। जी इतना चकाचौन व्यवस्था देख रहे हैं, सब हमारे क्रामुट्टा के कार्यकर्ताओं द्वारा हो रहा है। तरह तरह की वीडियो देखने को मिलेगा। सभी को जय श्री राम, जय छठ माता। जा रहे हैं नदी छठ घाट पे। ये देखिए हमारे गांव के सभी छोटे बड़े भाई लोग बहुत उत्साहित मन से लगे हुए हैं। और ये है मुकेश मतलबी जी, सिंगर और गायक, और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग भी करते हैं। साफ सुथरा हो गया है और साफ सफाई, अब इसके बाद जा रहे हैं बैनर लाने के लिए, बैनर झंडा अब लगाना है। हम प्रमोद जा रहे हैं बैग से ऊंटा मोड़, देखे आ रहे हैं। जोगिंदर भी है इधर, मिला भी कैसे भी मिल गया है। अभी जोगिंदर रुकने को चलने वो चल रहे आ गए हैं गाँव। गाँव का दृश्य देखिए आप लोग, ये बच्चा भी साफ कर रहे हैं। देखिए साफ अनंत के घर के पास आ गए हैं, मंदिर शिव मंदिर के पास। हम लोग अब जा रहे हैं जोगेंद्र के घर के पास, उतार देंगे जोगेंद्र को उतार देंगे बगीचा अनिल के घर की तरफ। बगीचा का भी दृश्य आप लोग देख लीजिए कैसा है, ऊंटा गांव का बगीचा, कितना पेड़ पौधा है, बड़ा बड़ा पेड़ है। यहाँ भी गेट बना हुआ भी है, मेन रोड पर आ गए हैं। अब दुकान पे जा रहे हैं, दुकान दुकान से बाहर निकालना है। पहले ऊंटा मोड़ जाना है, ऊंटा मोड़ देखना है, ऊंटा मोड़ में कितना दूर दूर है। आ गए हैं भारत मिनी मॉल के पास, आ गए हैं। देर में पहुंच जाएंगे हम लोग, देखते रहिए आप लोग। देखिए आ गए हैं मोटा मोड़ पर आ गए हैं। देखते रहिए दोस्तों आप लोग, देखिए मोटा मोड़ का जिस कितना फल बिक रहा है, इसलिए बहुत सारा भी आदमी है अभी यहाँ पे लेने के लिए। फल देख लिया आप लोग। हम लोग आ गए हैं अपना दुकान पे, यहाँ बैनर निकालना है छठ पूजा में लगाने के लिए। यही मेरा दुकान है, देख लीजिए दोस्त। ये मेरा दुकान है दोस्त, देख लीजिए यहाँ पे है। ये पीपल का पेड़ है, SBI बैंक भी इधर है, और यहाँ पीपल का पेड़ है, देखिए ये बहुत बड़ा सा। यहीं पे मेरा दुकान है पीपल के सामने इधर। देखिए यहाँ पे रखा हुआ था पहले से, बैनर लेने आ गए हैं। ये साफ कर देंगे, गंदा है। ये मेरा स्टूडियो है, देख लिए। छत है जो पानी छूता है पूरा, इस
इसलिए अच्छा स्टूडियो बना नहीं रहे, पानी चूका ख़राब हो जाता है पूरा एकदम। देखिए कैसा हालत है मेरा स्टूडियो का। एक मेरा मेरा स्टूडियो है और जाते हैं देखिए मेरा दुकान, लाइट बंद कर देते हैं, अभी जाना है छठ घाट पे। ये मेरा दुकान है, दुकान अभी शटर बंद करके जा रहे हैं छठ घाट पे। अब जा रहे हैं नदी पे छठ घाट पे। ये प्रमोद आराम से तो धोने के लिए आए हैं नदी में, अब धो लेंगे उसके बाद लगाएंगे बैनर। देखिए उतर रहे हैं हम लोग रास्ते से, अच्छा रास्ता तो नहीं है लेकिन उतर रहे हैं। देखिए नदी में आ गए हम लोग, उतर रहे हैं धीरे धीरे, स्लिप वाला रास्ता है, उतर गए। प्रमोद धो रहा है अभी, अब उसमें शैम्पू लगाएंगे और धोएंगे। बैनर बहुत दिन से रखा हुआ था, एक साल से। देखिए प्रमोद किस तरह धो रहा है, शैम्पू लगा के धो रहे हैं। देखिए नदी कितना सुहाना अच्छा है दृश्य, कितना पानी गिर रहा है एकदम अच्छे तरीके से। कल साफ सफाई हम लोग किए थे यहाँ आके, वो भी वीडियो डाल दिए, आप देख ही लिए होंगे। यही अभी और सजावट वजावट के बाकी है। हम लोग का नदी घाट है, देख लिए बढ़िया से। देखिए हमारे प्यारे दोस्त निर्मल जी अभी लिख रहे हैं की जय। हाँ की जय श्री राम की जय, काची है शिवाली श्री राम जन्मभूमि की जय। हाँ बताइए दोस्त, सही सेंटेंस अच्छा है यार, सही नहीं लग रहा है आप लोग को? नहीं लग रहा है और बाद में चेंज कर देंगे कल छठ पूजा के बाद। देख लिए दोस्त पूरा ही जड़ा हुई जो गर्दा उर्दा है उसके लिए पानी डाला जा रहा है इसमें। ये जोगेंद्र जी को पूरा झंडा लगाने जा रहे हैं, झंडा भी हेलो पूरा लगा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री जय छठ मैया, सब पर कृपा बनाए रखे, जोगेंद्र पर ज़्यादा बनाए रखे। अभी छठ घाट तैयार हो रहा है, पूरा बढ़िया से तैयार कर रहे हैं हम लोग, पूरा देख लिए। पूरा अभी कपड़ा पर लग रहा है, पूरा किनारे किनारे लगा रहे हैं। अभी बाउंड्री वाउंड्री में लिखाई उखाई हो रहा है इतना है और सब। देखिए छठ पूजा समिति उठता आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। केला का वितरण भी हो रहा है इधर, फल उल का भी वितरण हो रहा है, केला है सेब है और नारियल भी एक एक मिल रहा है सभी को, सभी श्रद्धालु को। क्या भैया, हाय घनश्याम भैया, हाय देखते रहिए हम लोग छठ घाट पे जा रहे हैं सभी श्रद्धालु। इधर डीजे भी बज रहा है,
देख लिए पूरा वीडियोग्राफी भी यहाँ हो रहा है, देख लीजिए आप, देखते भी होंगे, आगे देख लीजिए सामने। लोग छठ घाट पे जा रहे हैं, देखिए दोस्तों कितने अच्छा दृश्य है। हेलो, देखते रहिए दोस्तों आप लोग, देखिए इधर प्रमोद भी खड़ा है और इंदर जी देख लीजिए इधर थोड़ा सा कैसे हैं आप लोग, है पूरा भीड़ हो जा रहा है श्रद्धालुओं का, पूरा भीड़ देख लीजिए आप लोग, फल वितरण हो रहा है इसलिए ज्यादा भीड़ हो जा रहा है, जनसंख्या फल बांटने वाले के बहुत कम है इसलिए ज्यादा भीड़ हो जाता जा रहा है। देखते रहिए आप लोग मेरा वीडियो को, अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आरके क्रेजी ब्लॉग है ब्लॉग्स, देखते रहिए आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को। छठ घाट पर जाने के लिए हाय कुलदीप जी, अपने बच्चों को ध्यान देंगे, देखते रहिए दोस्तों। जय छठ मैया, देखते रहिए आप लोग दोस्तों। छठ घाट पे अब अर्घ का टाइम होगा कुछ देर में, अर्घ लेने के बाद हम वीडियो फिर दिखाते हैं आप लोग को। देखते हैं अब सब नदी पास छठ घाट में पहुंच गए हैं, अब अर्घ के बाद दिखाते हैं। घुमा देंगे दौरा को आप, घुमा देंगे उसके बाद जय श्री राम, घुमा देंगे तो घुमा देंगे दौरा, घुमाने के बाद जल छोड़ देंगे हरे छठ मैया को जल से, सूर्य महाराज को जल से स्नान कर दें, उस डोरा में अक्षत फूल रखें तो, और उसके बाद अबेर गुलाल रोली चंदन चढ़ा देंगे, अबेरम जल गुलाल आपका हरिद्रा देव समर्पितम नाना परे द्रव्यम कृपा परमेश्वर मंगल पदे भ्यो नमो नमः। दौरा पर भी आप जल छोड़ करके अर्पण सुमार रोली चंदन दौरा पूजा भी कर दें, जो भी आपको मांगे
अबेर गुलार रोडी के लंग चढ़ा दे वीडियो करिए ना, ये गलत बात है। प्रमोशन हो गया भैया, फोटो सिर्फ ऐसी वीडियो में।